वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मैगी के पकौड़े, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। इसे आप अफ्तार में बनाइए या वैसे भी स्नैक्स में बनाइए चाय के साथ। ये बहुत टेस्टी लगते हैं गरम गरम पकौड़े, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उस पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए आप सामान नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने मैगी ली है, ये दो नूडल्स लिए हैं मैंने, मैगी के जो दो पैकेट होते हैं वो लिए हैं, और दो टेस्ट मेकर लिए हैं। उसको अच्छे से बना पका लिया है मैंने 2.5 कप पानी के साथ में मैगी को, और ये अच्छे से मैगी हमारी तैयार हो गई। और ये बिल्कुल ठंडी हो गई है मैगी, क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल कूल डाउन मैगी चाहिए, तो इसलिए इसको बना के मैंने पहले से रख दिया है। आप भी प्लीज़ इतना करिए कि आप इसको बना के पहले से रख लीजिए जब भी आपको बनाना हो, क्योंकि गर्म गर्म मैगी में पकौड़े अच्छे नहीं बनते। और तो इसके लिए हमें बिल्कुल ठंडी मैगी चाहिए। अनियंस लेंगे, प्याज, कैबेज है, पत्ता गोभी, ग्रीन चिली है, हरी मिर्च, कैरेट है, गाजर, शिमला मिर्च है, दैट्स कैप्सिकम। इन सारे वेजीज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बस इतना ध्यान रखिए कि जितनी भी आप सब्जियां लें वो सब बिल्कुल बारीक आप कट कर लें। मसालों में मैंने लिया हल्दी पाउडर, दैट्स टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट है, नमक, चिली फ्लेक्स है, लाल कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला है, ये मेरा होममेड है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ग्राम फ्लावर लेंगे, बेसन, ये कॉर्नफ्लावर है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैगी लेंगे, इसमें जितनी भी हमने सब्जियां काटी हैं ये सारी सब्जियां हम डाल देंगे। प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, इसी में मसाले भी डाल देंगे, नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, ये सबको हम मिक्स करके ऐसे ही डाल देंगे। इसमें हम बेसन डालेंगे, तो इस बेसन को आप छान लीजिए। कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, इन सबको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। मेक श्योर कीजिए कि आपके हाथ जो है अच्छे से वॉश हो। इन सारी सामान को हम अच्छे से मिला देंगे। इसमें अभी पानी का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस 1 टेबल स्पून के करीब, ये देखिए, और बस इसको फिर मिक्स कर लेंगे हम। देखिए पानी के साथ भी सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके हम पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए हाथ पे थोड़ा सा ऐसे हम बैटर ले लेंगे, ये देखिए, और इसको हम गरम तेल में डाल देंगे। तेल हमने गरम होने के लिए रख रखा है। अब हम पकौड़े फ्राई करेंगे। देखिए तेल अच्छा गरम हो गया है। अब हमने फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रख रखा है। अब हम पकौड़े फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम सारे पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े का साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। देखिए हमने सारे पकौड़े इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम देख लेंगे, हल्के हाथों से इसे हम टर्न करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है एक तरफ से रेड हो गया है तो इसका मतलब ये सिक चुका है। इसी तरह से हम जो जो पकौड़े सिकते जाएंगे उसको हम पलटते जाएंगे। देखिए एक तरफ से सिक चुके हैं पकौड़े, इसको अब दूसरी तरफ से सिकेंगे। इसको हमने पलट दिया है और फ्लेम को हमने लो टू मीडियम के बीच में रख रखा है, जिससे ये हल्के हल्के सिकें और अंदर तक से जो सब्जियां हैं इसमें वो भी अच्छे से पक जाएं। ये देखिए पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, एक एकदम क्रिस्पी भी है, और बाकी के पकौड़े भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए मैगी के पकौड़े गरम गरम बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।